हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश के, जो आपका टॉपिक चल रहा था इनविटेशन की रिप्लाई। उसमें हमने फॉर्मल इनविटेशन के डिक्लाइनिंग एक्सेप्टिंग दोनों रिप्लाई देख ली। इनफॉर्मल इन्विटेशन की हमने क्या किया था, एक्सेप्टिंग रिप्लाई देख ली थी। आज हम देख रहे हैं इसकी डिक्लाइनिंग रिप्लाई। तो हमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना होगा कि आज हमें क्या क्वेश्चन मिला है। आज हमें यह क्वेश्चन मिला है कि यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम योर अंकल टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ हिज स्कूल। वो सेम ही कल वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ही चेंज किया कि आपको डिफरेंस पता चल जाए। आपने क्या है कि एक इनविटेशन लेटर प्राप्त किया है, किससे, आपके अंकल से। किसके लिए, कि आपको एनुअल फंक्शन अटेंड करने के लिए बुलाया है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो क्या है, चीफ गेस्ट होंगे। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग दिस इन्विटेशन। ध्यान रहे, एक तो ये चीज़ देखो, रिप्लाई कौन सी है, इनफॉर्मल है। दूसरा क्या है, एक्सेप्ट नहीं करना, हमें क्या करना है, डिक्लाइन करना, और रीज़न भी बताना होगा साथ में। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले अपना एड्रेस दो खुद का, क्या है, 42 मानसरोवर जयपुर। ये कोई भी निशान साथ में आप लगाओगे नहीं, समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या है, 42 मानसरोवर जयपुर, अपना एड्रेस आ गया कि जयपुर का हमें मानसरोवर एरिया, उसमें 42 नंबर पे हम रहते हैं। फिर तारीख, फिर आपको इनवाइट किसने किया है, आपको इनवाइट किया योर अंकल ने, तो माय डियर अंकल या सीधे डियर अंकल। फिर आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर इनविटेशन, कि मैं आपका इनविटेशन प्राप्त करके बहुत खुश हुआ। ये तो हर जगह लाइन लिखनी ही लिखनी है। टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, कि किसके लिए, आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन को अटेंड करने के लिए। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट, कि मैं ये जानते हुए बहुत खुश हूँ कि द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट, कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। बट आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, लेकिन मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है, आपको ये सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड दिस फंक्शन। आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड दिस फंक्शन, कि मैं इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर दीज डेज, कि मैं इन दिनों में वायरल फीवर से सफरिंग हूँ, पीड़ित हूँ, कि मैं वायरल फीवर हो चुका है मुझे इन दिनों में, इस कारण मैं आपका जो फंक्शन है वो अटेंड नहीं कर पाऊंगा। प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज। अपोलॉजीज क्या होती है, कि जो मेरी संवेदनाएं भी कह सकते हो आप, या फिर क्षमा याचना भी कह सकते हो, कृपया जो मेरी क्षमा है, माफ़ी, अपोलॉजी को बोलोगे माफ़ी की, कृपया मेरी माफ़ी को एक्सेप्ट करना और मेरी शुभकामनाओं को भी एक्सेप्ट करना। योर लविंगली सोनू। कल भी नाम सोनू ही लिख दिया था, कोई नाम नहीं है, ABC XYZ सोनू कुछ भी लिख दो। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली कितनी चीज़ें हैं, मैन आपको चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले अपना एड्रेस देते हैं इसमें, फिर तारीख, फिर जिसको भेज रहे हैं जैसे डियर अंकल वो आ गया। फिर देखो ये लाइन तो कंप्लीट आती ही आती है हर किसी में सेम ही, कि मैं बहुत खुश हूँ इनविटेशन पाके। फिर फंक्शन बताना है, किस फंक्शन पे जाना है। फिर इसमें एक्स्ट्रा लाइन है, कोई भी जो एक क्वेश्चन में दिए वो ही दी जा रही है। तो देखो विल बी द चीफ गेस्ट वही आ गया, ग्लैड टू नो दैट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट, वो सेम ही लाइन आएगी। फिर आपको रीज़न बताना है, उसमें कल वाले में क्या बताया था, कि मैं बहुत खुश हूँ मैं पहुँचूंगा, तो इसमें क्या है कि लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। फिर कारण, अगर माफ़ी मांग रहे तो कारण भी बताओ साथ में। तो कारण ये बताया कि मुझे क्या है, वायरल फीवर हो चुका है, मैं उससे पीड़ित हूँ आजकल। फिर ये बताने के बाद फिर है कि मेरी माफ़ी है, जो क्षमा है मेरी, उसको भी स्वीकार करें और मेरी शुभकामनाएं भी स्वीकार करें। ये शुभकामनाएं तो स्वीकार करवाना जरूरी होता है, इसमें देनी पड़ती है। बिकॉज अगर हम अटेंड करें तो हम वहाँ जाके बेस्ट विषय दे सकते हैं, लेकिन हम अटेंड नहीं कर रहे, उनके जा तो रहे नहीं, तो प्रोग्राम को जो भी बेस्ट विषय देनी है तो अपने अपने लेटर के थ्रू ही दे सकते हो आप। और फिर योर लविंगली नीचे नाम देना है। तो स्टूडेंट्स, आपकी इन्विटेशन कंप्लीट हो चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय।